कांग्रेस नेता राव अर्जुन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आज उनका अंतिम संस्कार दादा और पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह की समाधि स्थल के पास किया गया। राव अर्जुन सिंह को मुखाग्नि उनके छोटे भाई राव अभिजीत ने दी। वहीं अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राव अर्जुन सिंह के समर्थक और रामपुरा हाउस से जुड़े नेता शामिल होने पहुंचे। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर रामपुरा हाउस में रखा गया था। दरअसल 19 अक्टूबर को 44 साल के राव अर्जुन की विदेश में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं आज सुबह राव अर्जुन का पार्थिव शरीर रेवाड़ी के रामपुरा हाउस लाया गया, जिसके बाद नारनौल रोड स्थित राव बीरेंद्र सिंह की समाधि स्थल के पास ही राव अर्जुन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस दुख की घड़ी में कई राजनीतिक दलों के नेताओं और हरियाणा सरकार में मंत्रियों ने भी मौके पर पहुंचकर राव अर्जुन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राव अर्जुन सिंह का जो देहांत हुआ है वो बड़ा दुखद है, और इतनी छोटी उम्र में उनका चला जाना उनके परिवार के लिए तो दुखद बात है ही, हल्के के लिए भी बहुत दुखद बात है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे और परिवार को इतनी शक्ति दे कि उनके जाने का जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। राव अर्जुन सिंह का अकस्मात जो निधन हुआ है उससे इलाके को एक बड़ी क्षति हुई है, और आज कई दिन बाद डेड बॉडी विदेश से आई है, और अभी भारी संख्या में आप देख रहे हो इलाके में कितना मातम और कितना दुख है। ये सब लोग दाग में शामिल होने के लिए, देखिए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और राव अर्जुन सिंह उभरते हुए होनहार राजनीति के थे, समाज सेवी भी थे, और क्षेत्र को इसका नुकसान हुआ है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बता दें कि राव अर्जुन सिंह रामपुरा हाउस के वारिस थे। रामपुरा हाउस का राजनीतिक तौर पर दक्षिण हरियाणा के साथ साथ हरियाणा और केंद्र में भी दबदबा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे राव अर्जुन सिंह कांग्रेस के नेता थे, जो अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर से इलाके में शोक है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।